हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। हैप्पी दिवाली की। इतने दिन से मुझे जिस दिन का इंतज़ार था, फाइनली दिवाली आ गई है और रोज़ प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लूमिंग्स है। और मैं कुछ आज वर्टिकल गार्डन के सेटअप भी लेकर आई थी और कलर करने के बाद प्लांट पॉट्स अच्छे लग रहे हैं और मैं नेक्स्ट टाइम और कलर लेकर आऊँगी फिर मैं ऐड करूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे ब्लूमिंग में, तो अभी 1000 है। और जो मैंने पालक ग्रो किया था ना, ये उसका अपडेट है। ये अभी थोड़ा बहुत सा ग्रो हुआ है पालक, ठीक ठाक हुआ है। और आज मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी, रंगोली बनाऊँगी। और जो मैं एक क्या बोलते हैं ना, लक्की मामू प्लांट लेकर आई, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं जो कैंडल्स वगैरह और घर में जो डेकोरेशन आइटम्स है वो लेकर आई थी, वो दिखाती हूँ आपको। ये हम लोग वर्टिकल गार्डन वाला लेकर आए थे। ये जेड प्लांट है और एक इस प्लांट का नाम तो मुझे नहीं पता, और ये सिंगोनियम है। ये सिंगोनियम है कि तीन वर्टिकल गार्डन सेटअप लेकर आए थे। और भी मेरे पास है ऊपर लगे हुए, लुकर से अच्छा दिख रहा। तो अभी मैं जो जो आइटम लेकर आई वो दिखाती हूँ। और कलर में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लक्की बाम्बू लेकर आए विथ बाउल। और इसमें वो जो पानी की गोली होती है ना, छोटी छोटी से कलरफुल भी ऐड कर सकते हो। इसका रूट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी रूट्स अच्छी है, फुल रूट्स है इसका। मैंने बोला 1 वीक तक इसका पानी चेंज कर सकते हैं। और डेकोरेशन में मैं एक कैंडल लेकर आई हूँ, कैंडल सेट 60 रुपीज़ का नेस लैंडून से जोधपुर का। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, रिजनेबल प्राइस 60 रुपीज़ का ये लेकर आई थी। और जो ये तो चिपकाने वाले हैं, ये क्लिप्स लेकर आई थी बुक्स। और ये वांदर वाला जो डोर के साइड में लगाते हैं, ये वो लेकर आए थे गणेश जी का छोटा छोटा सा। ये भी हम लोग पूरा हैंग करेंगे इसको, सबसे अच्छा तो ये लगा और वो हैंगिंग वाले प्लांट्स वगैरह। बाकी तो रियल फ्लावर से डेकोरेशन करेंगे वो। तो ये नॉर्मल सा रंगोली है, ये रंगोली और ये लक्ष्मी जी के पगली वगैरह और ये शुभ लाभ श्री यंत्र। और ये नॉर्मल से ये लोकल मार्केट से लेकर आए। तो अब हमें इन्हें लगाना शुरू करते हैं। ये तो हम जहाँ पूजा करेंगे वहाँ उसको लगाएंगे। और मैं ड्रेसेस वगैरह भी लेकर आ गई, इसको वेयर करेंगे। और इनको हम लोग बाहर लगाएंगे, जो हमारा एंट्रेंस डोर है ना। और एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक और चीज़ लेकर आए, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये सब छोटे मोटे सब खाने वाली चीज़ है। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर ही लेकर आए थे। वैसे मेरा साइकिल का लैंप है और एक छोटू सा क्या बोलते हैं ना, तुलसा जी का दिया भी लेकर आए थे हम। दिए का स्टैंड बहुत प्यारा, घर के डोर के ऊपर लगाएंगे। तो ये कलर्स तो चिपका दिया बहुत ज़्यादा सुंदर। और इनको डोर को भी चिपकाती हूँ जी के पगले, ये मैं चिपका रही हूँ मैन डोर से। काफ़ी लोग कोको के बनाते हैं, काफ़ी लोग अदर अदर तरीके से बनाते हैं। कोको के तो हाथ को ऐसे करके बनाते हैं, फिर अंगुली से बनाते हैं। हम लोग तो रेडीमेड लेकर आते हैं। यार क्रैकर्स में तो हम अभी इतने ही लेकर आए हैं, कल और लेकर आएंगे। हाँ वैसे जगह तो बहुत बड़ी है, बट फिर हम लोग यहाँ रंगोली बनाएंगे। क्योंकि दिक्कत ये है कि शाम को सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, गेस्ट और फ्रेंड्स वगैरह आते हैं। तो पिछली बार भी किसी ने पैर रख दिया था तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए मेरे पास स्टेंसिल है तो उसी से बनाएंगे। पूरे बैकग्राउंड में रेड होएगा और ये येल्लो से होएगा, या तो फिर बैकग्राउंड को येल्लो रखूँ और इसको रेड रखूँ, देखते अभी ट्राई करते हैं। ये क्रिस्टल कलर्स है तो मैं अभी सारा इसके ऊपर ऐड करती हूँ।
उसमें क्या होल्स होते हैं ना, तो ये सारा बीच में रेड कर देंगे। कभी भी कलर कम पड़े ना रंगोली को, तो कलर को पीस के उसमें नमक भी ऐड कर सकते हो आप लोग। मस्त बना है। अब इसके साइड वाला आता ना थोड़ा, उसके लगेगा इसके साइड वाला आता है। साइड में इसको रेड, साइड में इसको रेड करते हैं। अब मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेड कलर के पैर मान रहे हैं मैंने, तो बोलता है येलो भी शुरू हो जाए बट मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। रेड येलो मिक्स हो जाएगा।